हमारे साथ इस वक्त पीयूष जुड़ गए हैं इस वक्त TV9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद हमारे साथ मौजूद हैं। अमोद, हमने देखा इस पूरे शपथ ग्रहण को और उसके हर पहलू पर चर्चा भी करने की कोशिश की, लेकिन मोदी 3.0 जो ये मंत्रिमंडल है, इसकी जो बिग पिक्चर है वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि हर तरह का प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। अनुभव लेकिन जिस तरह का दिखाई दे रहा है मोदी 3.0 में, इससे पहले इस तरह का अनुभव और इस तरह की जो लीडरशिप थी वो नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि देखिए कितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पर शामिल हैं, तमाम वो ऐसे लोग जो चुनकर आए हैं जिनको जगह मिल रही है, वो कई कई बार के सांसद हैं, तमाम और अहम पदों पर रह चुके हैं जिनको जगह मिली है। अमोद, आपको आवाज मिल रही है? अमोद के पास जाएंगे। पीयूष, मेरा सवाल आपसे यही कि ये जो मंत्रिमंडल है उसमें किस तरह का प्रतिनिधित्व हर समाज के वर्ग का देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए संतुलन कायम करने की कोशिश इसमें की गई है और पूरी तरह से संतुलन कायम किया गया है, चाहे क्षेत्रवार हो, चाहे जातिवार हो, और या फिर आप दलों के आधार पर देख लीजिए जो घटक दल हैं उनका भी कितना ख्याल रखा गया है। एक दल मतलब आप देखिए हर एक दल को इसमें शामिल किया गया है और उन्हें मंत्रिपरिषद में मौका दिया गया है। ख़ास बात ये है कि ये संतुलन अब इस बार इस वजह से ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि सीटें जो हैं वो उस लिहाज से भाजपा को नहीं मिल पाई थी और NDA की सरकार बनी है, तो ऐसी स्थिति में जो संतुलन कायम करने का प्रयास किया गया है उसमें वो उसकी बिग पिक्चर आप दिख रहा है पर जी, देख वो बिग पिक्चर दिख रही है अगर, लेकिन साथ ही ये भी दिख रहा है कि बीजेपी ने अगर ये कहा था कि वो कोर इश्यूज पर या जो कोर मंत्रालय है उस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, जिस तरह से काम करने का तरीका रहा है उसी तरह से वो आगे बढ़ेंगे, तो वो भी हमें कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। अमोद, लेकिन एक बड़ा सवाल, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, अगर हम पंजाब की बात करें और वहाँ से जो प्रतिनिधित्व, या महाराष्ट्र में भी कुछ चेहरे जिनको शामिल किया गया है, तेलंगाना से जिन चेहरों को शामिल किया गया, दरअसल हम ये भी देख रहे हैं इसके अंदर एक बड़ा एक मैसेज ये कि एक तरफ जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, जो अलग अलग श्रेणियां हैं, जिन्होंने साथ दिया उनका प्रतिनिधित्व भी, जिन्हें साधने की कोशिश है उनका प्रतिनिधित्व भी, और जहां पर बीजेपी अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है उनको भी शामिल किया गया, उन नेताओं को शामिल किया गया या उस लीडरशिप को शामिल किया गया। देखिए सुमेरा, इस पूरे शपथ ग्रहण में मंत्रिमंडल पे अगर आप नज़र डालेंगे तो दो तीन टेक है जो समझना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी ने इस बार जितने भी नेताओं को बनाया है, मंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जितने नेताओं को मंत्री बनाया है उसमें आप अगर सरसरी निगाह पर नज़र डालें तो कुल मिलाकर 35 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट के हैं, 30 कैबिनेट मंत्री हैं और 5 स्वतंत्र प्रभार हैं, उसमें से महज 4 राज्यसभा से आते हैं, जो एक आरोप लगता था कि राज्यसभा से बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो रहा है, लोकसभा से या जनता से जुड़े हुए लोग कम आ रहे हैं, उसको दरकिनार किया गया है। और अगर आप बात करें तो निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री जयशंकर, उसके अलावा आप बात करें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरदीप पुरी, इसके अलावा सारे लोग जीत कर आए हैं, ग्राउंड से आए हैं, वो चाहे कैबिनेट में जो शामिल हैं वो भी, या राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार के रूप में हैं वो भी, और यहाँ तक कि जो राज्य मंत्री बने हैं, जो बिल्कुल राज्य मंत्री बने हैं, नए लोगों को मौका दिया गया है, यंग लोगों को मौका दिया गया है। जो आपने पूछा कि बंगाल में सुकांतो मजुमदार 2 बार के सांसद जरूर हैं, आपने चाहे देखा होगा गोरखपुर से कमलेश पासवान को बनाया है, यंग मतलब कुल मिलाकर यह है कि यंग लोगों को प्रमोट किया गया है, जो एक पीढ़ी है जहां बढ़ना चाहती है, नई लीडरशिप को तैयार करना चाहती है, उनको मौका दिया जा रहा है। अमोद, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का, पीयूष आपका भी और अमोद आपका भी।